धनु राशि राहु आके बैठे हैं आपके सप्तम भाव पे, केतु आपके लग्न में, बहुत ही आपको कहते हैं ना पत्नी या पति जहाँ पर राहु बैठे हैं आपके, उनकी उन्नति हो जाएगी बहुत ज्यादा। वो बहुत ज्यादा काम मीडिया से रिलेटेड और अपना अभिनय गायन या कोई आर्टिस्टिक काम करेंगे, राइटिंग वगैरह, इसमें बहुत बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके साथ कम पटेगी उनकी, थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, आपको बिगाड़नी नहीं है उनसे, क्योंकि ये नहीं तो विघटन की स्थिति लाएगा आपकी, और आपको विघटन नहीं करना है। आपके पार्टनर्स भी आपको बहुत फायदा देंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसी स्थिति आती रहेगी जहाँ पर विघटन की स्थिति आएगी, तो उसमें आपको बचे रहना है। अब ये पेट का भी कारक होता है सप्तम भाव, तो तबीयत का भी ध्यान रखना है आपको, और बाहर का जो सूप नहीं करता वो ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब दृष्टि इसकी पड़ रही है आपके तृतीय भाव पराक्रम में, तो आप भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा साथी मिल गया है जो मीडिया से रिलेटेड है, तो उसके साथ मिलकर काम किया जाए, आपका भी उत्साह उमंग बढ़ेगा और आप भी ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। आपकी छोटी मोटी यात्राएं सुखद होती रहेंगी, छोटे भाई बहनों से आपको सुख मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। सप्तम दृष्टि से आपको देखेगा राहु, तो वैसे तो आप धार्मिक थरली हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपको ऐशो आराम चढ़ेगा दिमाग पर, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, ऐसा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जो नवम भाव से आपके लाभ स्थान को देखेगा, तो अचानक से बड़े बड़े लाभ होंगे आपको, अचानक से कोई पैतृक संपत्ति का फायदा होगा, अचानक से कोई आपके कोर्ट कचहरी के केस जो है वो सुलट जाएंगे, तो आप खुश रहेंगे। इसके बाद जो केतु की बात करूं, तो आपके लग्न में केतु आकर आपको थरली धार्मिक बनाता है, आपको ऐसी पर्सनालिटी बनाता है जिसको हाथ जोड़ कर लोग नमन करें, और सडनली आप एकदम साधुत्व की ओर झुक जाते हैं। ये केतु आपके जो पर्सनालिटी में एक अधूरापन भी लाता है जो आपको महसूस होता है, और यही केतु की जो दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, तो मैं देखो तो आपके पंचम भाव से आपके माइंड को देख रहा है, तो आपके माइंड को भी वैसा ही बनाएगा, आपके बच्चों को भी वैसा बनाएगा। आप पूजा पाठ और साधुत्व की ओर बढ़ेंगे, अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, ज्यादा धार्मिक स्थलों का जिक्र करेंगे, आप पढ़ाई भी ऐसी करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको उसी में रुचि मिले, और आपके बच्चे भी कुछ इस प्रकार से बिहेव करेंगे। सप्तम दृष्टि को मैं यहाँ पर ज्यादा कारगर मानती हूँ, क्योंकि राहु यहाँ बिगाड़ना है, केतु भी यहाँ बिगाड़ेगा, अपना संबंध, विवाहित संबंध अधूरा ना छोड़िएगा। ये 17-18 महीने आपको पेशेंस से काटने हैं, पार्टनर्स के साथ भी इसी तरह। यही केतु आपके भाग्य स्थान को देखेगा, तो कोई आपको ऐसे काम आएंगे जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, जो काम आएंगे सरकारी दरबारी काम मिलेंगे, कर डालिएगा उनको, छोड़िएगा नहीं उनको, क्योंकि ऐसे कामों से भी अगर फायदा होता है तो आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। आपके काम हो सकता है आपको पूरा फायदा ना दे, आधा ही फायदा, लेकिन फिर भी आधा ही सही, काम करने में क्या बुराई है।